सराय में कलेक्टर के लगातार हो रहे औचक निरीक्षण का असर अब दिखाई देने लगा है। मीडिया की टीम ने जब जिला चिकित्सालय के NSCU वार्ड एवं महिला सोनोग्राफी ओपीडी का निरीक्षण किया तो व्यवस्थाएं पहले से बेहतर मिली है। महिला मरीजों के लिए गर्मी से बचने के लिए कूलर और बैठने के लिए कुर्सियों की बेहतरीन व्यवस्था देखी गई। वहीं जिला चिकित्सालय पहुंचने वाले वाहनों को नई पार्किंग में खड़ा कराया जा रहा था। दूसरी ओर जिला चिकित्सालय में नवीन पार्क का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उपरोक्त मामले में जिला चिकित्सालय में पदस्थ सिविल सर्जन डॉक्टर जी.एल. अहिरवार ने बताया कि जिला कलेक्टर संदीप जी.आर. के निर्देश में चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है और SNCU वार्ड और महिला सोनोग्राफी ओपीडी कक्ष के बाहर महिला मरीजों के लिए कूलर और बैठक व्यवस्था के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं। वहीं पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने के निर्देश सिक्योरिटी गार्ड को दिए गए हैं। जी, जब जिला अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, गुटखा साफ सफाई में भी चेकिंग की जा रही है और लगातार ये कह अल्ट्रासोनो सेंटर है जो उसके आसपास महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है कूलर पंखे की, किस प्रकार के किसके निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है? जिला चिकित्सालय में लगातार साफ सफाई और सुरक्षा की कमियों की ये बात कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो गाड़ियों की पार्किंग है वो नियमानुसार विधिवत होना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण अंचलों से आने वाले जो भी मरीज हैं उनको समुचित इलाज एवं जगह मिल सके। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं हमने उनको सख्त निर्देश भी दिए हैं कि आप विधिवत वाहनों को जहाँ पर दो पहिया वाहन है वहाँ पर लाइन से लगवाइए, फोर व्हीलर अंदर ले जाइए। हमने अपने डॉक्टर सभी चिकित्सकों से भी अनुरोध किया है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, इसलिए सभी डॉक्टर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और वाहन जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन के कक्ष के सामने से लेकर के पीछे कोविड वार्ड तक डॉक्टरों के वाहन लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अल्ट्रासोनोग्राफी के सामने जो हमारी गर्भवती माताओं की जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वहाँ पर कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं थी, तो कलेक्टर महोदय के भ्रमण के दौरान ये बात उनके संज्ञान में आई थी। सर ने हमें सख्त निर्देश दिए थे, उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमने तत्काल 4 कूलर की व्यवस्था कर दी है और जो उनको जो नीचे महिलाएं बैठती थी उनके लिए हमने बेंचें डलवा दी हैं। अभी कुछ कमी रह गई है, उसको मैं सुधार करूँगा और लगातार सुधार की कोशिश करेंगे।